हाँ तो देखिए सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। क्योंकि अभी मूल्यांकन कार्य चलता रहा इसलिए अभी तक हम आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हुए और इनके गणित एवं विज्ञान के लेसन प्लान नहीं जान पाए। अब मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 गणित लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं मोतीलाल हरवार, सहायक शिक्षक नेहरू मेडिकल कॉलेज पनवाड़ी। तो बच्चों मैंने पिछली बार आपको बताए थे शून्य बहुपद के शून्य और बहुपद के शून्य के बारे में आपको हल भी कराए थे, कुछ उसके सवाल भी बताए थे आपको। अब आपका आता है बहुपद के आलेख एवं शून्य। बहुपद के आलेख एवं शून्यकों का ज्यामिति अर्थ। बहुपद के आलेख का तात्पर्य होता है ग्राफ, जो बहुपद थे आपके एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव आदि जो जो भी थे आपके, तो उनके ग्राफ खींचना। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव है, उसका ग्राफ खींचना हमारे लिए। तो इस प्रकार से आपको ग्राफ बताएंगे और उन शून्यांकों का ज्यामिति अर्थ। तो बहुपद एफ एक्स के ज्यामिति आलेख को, बहुपद एफ एक्स के ज्यामिति आलेख को एक्स अक्ष जिन बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है, जिन बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है या काटता है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित प्रच्छेदित का मतलब होता है काटता है, प्रच्छेदित करता है उन बिंदुओं के भुज या एक्स निर्देशांक, उन बिंदुओं के भुज, भुज एक्स का मान कहलाता है, उन बिंदुओं के भुज। आपको बताते हैं कक्षा 9 में भुज और कोटि, एक्स कहते हैं भुज और वाई कहते हैं कोटि। तो यहां एक्स अक्ष की बात आ रही है इसलिए भुज है, बिंदुओं के भुज या एक्स निर्देशांक या एक्स निर्देशांक या एक्स निर्देशांक बहुपद एफ एक्स के शून्य, बहुपद एफ एक्स के शून्य के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके बहुपद एफ एक्स के ज्यामिति आलेख को एक्स अक्ष जिन बिंदुओं पर प्रक्षेपित करता है, जिन बिंदुओं पर काटता है, उन बिंदुओं के भुज अर्थात एक्स या एक्स निर्देशांक बहुपद एफ एक्स के शून्य के रूप में जाने जाते हैं। देखिए मैंने 9th में आपको बताया था जे एक्स अक्ष होता है एक्स एक्स और जे आपका वाई अक्ष होता है वाई वाई अक्ष, जे आपका इधर मूल बिंदु होता है वो, जो आपको बताया था ये प्रथम चतुर्थांश था, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, इस प्रकार से बताए थे। ये भी बताया था कि ये एक्स का मान कहलाता है और ऊर्ध्वाधर जो आपका वाई का मान कहलाता है। अब इसमें बताया प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस थे, यानी एक्स का मान भी प्लस और वाई का मान भी प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में बाई ओर छह बाई ओर आपका एक्स का, तो इसका माइनस और इसका जो वाई का मान ये प्लस, तृतीय में जे माइनस तो जे भी माइनस, जो नीचे की हो तो जे भी माइनस, इसमें माइनस माइनस का बताया था। इसमें एक्स का मान ये प्लस है और वाई का मान वो नीचे की ओर है माइनस, जिस प्रकार से आपको इस जो बताए थे मैंने 9th में। तो आपको इन चिन्हों को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि जब ग्राफ खींचेंगे तो जो निर्देशांक होंगे आपका कहां आते हैं वो मान, प्रथम चतुर्थांश में आते हैं कि चतुर्थ में आते हैं कि द्वितीय, वो निर्देशांक होंगे आपको जिस प्रकार से ऐसी मान लीजिए 2 और 3 है तो समझ जाइए आपका प्रथम चतुर्थांश से बिंदु आएंगे, और अगर मान लो माइनस 2 और 3 आ जाए तो समझ लीजिए द्वितीय में,
और दोनों माइनस माइनस के आ जाए और वाई का मान तो समझ जाए ये तृतीय में, और एक प्लस का आ जाए ये प्लस का और दूसरा वाई का मान माइनस का है तो समझ चतुर्थांश। तो इन बिंदुओं को आपको जरूर ध्यान रखना है कि किस चतुर्थांश में ये मान जो दिए हैं ये किस में आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये था, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई बिंदु दिए है, जी आपका एक्स अक्ष है एक्स 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 डैश और जी आपका वाई वाई डैश है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई बिंदु आपका यहां है, यहां काट रहा है, यहां काटा, इसके इसके मान लीजिए बिंदु आपके कोई भी बटे पे भी हो सकता है, मान लीजिए आपका यहां पर बी बटे ए और जी दूसरा मान जीरो, वाई का मान जीरो है। इस प्रकार से हो तो मान लो जे एक्स का मान है, या मान लो ये नीचे की ओर माइनस में हो सकता है, इस प्रकार से है माइनस में और प्लस में होगा तो आपको ऊपर एक्स ही में होगा। तो इससे आपका ग्राफ खींचा जाए तो इससे एक रेखा जाएगी, तो एक सरल रेखा ये सीधी रेखा, तो इसे कहेंगे हम सरल रेखा, इसके आगे ये सरल रेखा कहलाती है, पहला सरल रेखा आती है। तो ये आपका ग्राफ सरल रेखा का हुआ। इस प्रकार से आपके अब आयता कर दीजिए, इसको हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जैसे मान लीजिए आपने दिया एफ एफ एक्स, इस प्रकार से कहते वाले रैखिक बहुपद में एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी एफ एक्स बाई एक्स, तो आपका ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक जैसे आपने पढ़ा था अभी, जैसे नहीं बताया मान लीजिए टू एक्स प्लस थ्री है, तो रैखिक बहुपद है आपका ये, एक एक घात है एक्स पर, तो इसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इस प्रकार से केवल एक शून्य होगा, इसका जो है केवल एक शून्य होगा। मैं केवल एक शून्य होगा, एक शून्य, एक घात है, इसलिए हम जो है इसका केवल एक शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष पर, क्योंकि बहुपद का आलेख ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता एफ छेद होता है। देखिए एक्स प्लस एक्स बाई एक्स प्लस बी में केवल एक शून्य है, मात्र एक, क्योंकि बहुपद का आलेख ग्राफ एक्स अक्ष पर केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, एक बिंदु जो एक्स अक्ष के ऊपर काट रहा, एक बिंदु पर काट रहा है, इसीलिए हम रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्य होगा। इस प्रकार से आपका शून्य क्या, अब आपका आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद दूसरा है आपका द्विघात बहुपद। अभी क्या रैखिक बहुपद, अब द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब है बताया मैंने पीछे दो घात वाला पद, और दो घात वाला पद आप कहने के लिए किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहलाता आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो घात वाला है इसलिए हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद के लिए ग्राफ दो में से किसी के लिए ग्राफ दो में से किसी एक, दो में से किसी एक आकार का हो सकता है, में से किसी एक आकार का
सकता है, यानी एक्स द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के लिए ग्राफ दो में से किसी एक आकार का हो सकता है, या तो ऊपर की ओर खुला होगा या तो ऊपर की ओर खुला होगा, यानी यू के आकार का ऐसा ऊपर की ओर खुला होगा या नीचे की ओर खुला होगा या नीचे की ओर खुला होगा, यानी इस प्रकार से दो में से या तो ऊपर की ओर खुला हो रहेगा या नीचे की ओर खुला होगा होता है होता। अब ये कब ऊपर की ओर कब नीचे की ओर ये निर्भर करता है जो कि a ग्रेटर देन जीरो, यदि a का मान जीरो से बड़ा है, a का मान जीरो से बड़ा है या a लेस देन जीरो या a का मान जीरो से कम यानी ऋणात्मक, और यानी इसका मतलब है धनात्मक जीरो से बड़ा है, इस पर यह निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इन वक्रों को परवलय कहते हैं, जो ये वक्र आएंगे ये यू के आकार के इनको हम परवलय कहते हैं, इन वक्रों को परवलय या पैराबोला पैराबोला परवलय या पैराबोला पैराबोला कहते, यानी जो वक्र आएंगे वो पैराबोला परवलय कहते हैं। कैसे ये समझ लीजिए जरा, अब आपका वक्र बिंदु मान लो यहां आ गया, कोई यहां आ गया, कोई बिंदु मान लीजिए आपका जी यहां आ गया इस प्रकार से, कोई बिंदु आपका मान लीजिए यहां आ गया, कोई बिंदु मान लीजिए यहां आ गया, बिंदु मिल जाए कह गया, और इन बिंदुओं को अगर मिलाएंगे इस प्रकार से ऐसे मिला दिया आपने मान लो ये बिंदु, तो देखिए ये आ गई आपकी खुली आकृति जो गई उनके आकार का, तो ये ऐसा भी हो सकता है और या फिर ये इस प्रकार से ऐसी आकृति का आ सकता है। बिंदु हो जहां बिंदु हो गए चित्रांश में कहेंगे उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये आकृति आपकी प्राप्त होती है। परवलय आप लोग जानते होंगे परवलय का मतलब क्या होता है, इसको परवलय क्यों कहा गया, आप लोग परवलय की तात्पर्य आपने जाना होगा, परवल की सब्जी खाते हैं आप तो परवल की आकृति देखिए, परवल की आकृति यही होती है, इस प्रकार से परवलय होगा आपका परवल, और इसको काट के दो भाग कर दो तो आपकी देखिए यही आकृति आ जाएगी, ये इसकी पूरी नौक नहीं होती यहां बल्कि इतना होता है इस प्रकार से ऐसा होता है, अगर इसके दो भाग कर देंगे तो आपको देखिए यही आकृति बन जाएगी, ये बन गई आकृति ये हो, तो इसलिए पैराबोला से परवलय की इस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो जी इस प्रकार से आपकी ये बहुपद का आलेख था। अब आपके ग्राफ समीकरण द्विघात समीकरण का ग्राफ खींचना है वो आता है, देखिए वो कैसे करते हैं। और देखिए एक चीज और आपको बता दूं मैं, ग्राफ में जो आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष, एक्स 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 डैश और वाई वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निशान धीरे धीरे होते हैं। एक चीज बता रहा हूं इसमें मैं कि अगर ग्राफ आपका एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रक्षेपित करे काटे तो उसके उतने ही शून्यक होते हैं, जैसे अभी एक एक ही जगह काटा था एक एक ही इसका शून्यक था, अब इस बार दो बार काटे तो दो शून्यक होंगे, तीन बार काटे तो तीन शून्यक होंगे, एक भी बार न काटे तो कोई शून्यक नहीं होगा। जैसे कि आपके ग्राफ पे एक संलेखन आ जाते हैं वाई वर्ड पर काटे और इसमें पूछे जाते एफ एक्स के शून्यक बताइए, तो इसमें एफ एक्स का कोई शून्यक है
नहीं है। वाई का तो है लेकिन एक्स का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स अक्ष को ये रेखा कहीं नहीं काटती, इसलिए कोई शून्य नहीं। अगर इस प्रकार से आपका इस प्रकार से ना हो और इस प्रकार से आ जाए, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्स को एक जगह काट रहा है, इसीलिए इसका स्वेफ एक्स का शून्य एक होगा। कितना? एक होगा, बहुत बढ़कर शून्य। और अगर वाली इस प्रकार से नहीं है, इस प्रकार से काटे अगर, जैसे मान लीजिए जी आया, जी यहां इस प्रकार से आया आपका ग्राफ, इसमें शून्य पूछे एफ एक्स के, शून्य पूछे कितने हैं, एफ एक्स के शून्य, तो इसमें एक्स एक्स को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही इसके शून्य होंगे। तो ऐसा क्यों, देखिए एक बिंदु पर यहां काट रहा और यहां काट रहा, तो कितने होंगे बहुपद के शून्य, दो, एफ एक्स के शून्य होंगे दो। जितने दो जगह नहीं मालूम, तीन जगह काट रहा, इस प्रकार से आया जी ऐसे ऐसे आ जा, तो एक दो तीन, इसके शून्य तीन होंगे, तो दो की जगह तीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें यह ध्यान रखना है। अब आपकी आती है एक द्विघात समीकरण का ग्राफ। द्विघात समीकरण का ग्राफ हम कैसे खींचते हैं? बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बहुपद एफ एक्स बराबर, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। देखिए इस प्रकार से अब इसके ग्राफ खींचना है, बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ का आलेख खींचकर हल कीजिए, आलेख खींचकर हल कीजिए, इसको हल करना है और आपको ग्राफ खींचना है। देखिए क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं, माना वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, ये दिया हुआ सवाल, तो हम एक्स के मान रखते हैं, वाई के मान प्राप्त होते जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं, इस प्रकार से एक सारणी बना लेते हैं, इसमें एक्स दूसरे में वाई, इस प्रकार से जो मान आते जाएंगे हम इसमें रखते जाते हैं। मान लीजिए हमने एक्स बराबर माइनस चार लिया, अब ये एक्स का मान इस हम समीकरण में रखेंगे तो वाई का मान प्राप्त होगा। देखिए कैसे, वाई बराबर माइनस चार रखेंगे पर वाई बराबर माइनस चार का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दो गुणा माइनस चार माइनस आठ, चार चौको सोलह होगा, ये चार में मान माने प्लस प्लस आठ और ये माइनस आठ, प्लस के आठ माइनस के आठ कट गए यानी बराबर कितना हो गया सोलह, वाई का मान सोलह। देखिए एक्स का मान कितना रखा हमने, माइनस चार, तो वाई का मान कितना आया सोलह। अब इसी प्रकार रखेंगे, अब एक्स बराबर माइनस तीन रखने पर रखा रखेंगे इसी में, तो वाई बराबर माइनस तीन का स्क्वायर माइनस दो गुणा माइनस तीन माइनस आठ, तीन तरीका नौ, तीन दूनी छः प्लस हो गए माइनस के आठ, यानी जो वाइगल नौ छः पंद्रह में से आठ गई सात, वाई बराबर कितना आ गया सात। तो एक्स का मान माइनस तीन रखा तो वाई का मान कितना आया सात। अब इसी प्रकार से एक्स बराबर माइनस दो रखा, माइनस दो रखें तो वाई बराबर माइनस दो का स्क्वायर माइनस दो गुणा माइनस दो माइनस आठ, दो दूनी चार, पहले तो दूनी चार माइनस आठ, दूनी चार 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 आठ, तो कितना आ गया जीरो, वाई का मान कितना आ गया जीरो, यानी हम वाई बराबर एक्स का मान रखा माइनस दो, माइनस दो रखा एक्स का मान माइनस दो, तो वाई का मान कितना आ गया जीरो, जीरो है। रखते जाते हैं इसी प्रकार से, हम और देखेंगे एक्स बराबर माइनस एक रखा,
रखेंगे पर, तो वाई बराबर आपका माना गया माइनस एक का स्क्वायर माइनस दो गुणा माइनस एक माइनस आठ, एक का वर्ग करेंगे एक प्लस हो जाएगा माइनस माइनस दो प्लस दो एक दो माइनस आठ जो गए आपके दो एक तीन आठ नतीजे माइनस पांच वाई बराबर माइनस पांच यानी एक्स का मान कितना रखा माइनस एक तो वाई का मान कितना आया माइनस पांच। इस प्रकार से आप एक्स बराबर जब एक्स बराबर जीरो रखा तो वाई बराबर तो वाई का मान आएगा जीरो का स्क्वायर माइनस दो गुणा जीरो माइनस आठ तो जीरो का जीरो जीरो आया जीरो छह दूनी बारह माइनस आठ बराबर माइनस बीस यानी एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान कितना गया माइनस के बीस। अब और रखते हैं अब एक्स बराबर हमने मान लीजिए प्लस का एक रखा प्लस का ये प्लस के दो प्लस के दिया एक्स बराबर एक रखने पर रखा तो वाई बराबर एक का वर्ग माइनस दो गुणा एक माइनस आठ एक का वर्ग किया तो एक आया दो एक दो माइनस दो माइनस आठ आठ दो दस दस एक दो माइनस के यानी एक्स बराबर एक रखा तो वाई का मान माइनस नौ आया। अब जब एक्स बराबर दो रखा तो वाई बराबर दो का वर्ग माइनस दो गुणा दो माइनस आठ बराबर दूनी चार माइनस आठ जे आया तो जे आपके आठ चार बारह जे जे कट गए वो वाई का मान माइनस आठ यानी एक्स का मान दो रखा तो वाई का मान माइनस आठ। ऐसे रखते जाएंगे हम तीन रखेंगे चार रखेंगे आठ ही मान निकाल लेंगे। अब इन बिंदु जे मिल गए आपको बिंदु इन बिंदुओं को से लेकर के आपको ग्राफ खींचना है तो इन बिंदुओं से लेकर के हम कैसे ग्राफ खींचते हैं उसके लिए देखिए बता रहा हूं आपको। इस प्रकार से ग्राफ खींच जाता है जी हम लेंगे एक्स अक्ष एक्स एक्स और जे वाई ओ वाई एक्स ग्राफ पेपर पर आपको मालूम है छोटे छोटे खानों वाली आती है काफी उत्तर अमित आपके निर्देशांक हो गए आपके जे यानी माइनस चार सोलह जब बिंदु भी मान सकते हैं आप ये ए बिंदु हो गया तो माइनस तीन सात और जब फिर अलग अलग बिंदु डालने होंगे आपको यानी ये बी बिंदु हो गया फिर सी सी के निर्देशांक आए आपके सी के निर्देशांक माने दो जीरो दो जीरो पर डी बिंदु है तो माइनस एक माइनस पांच तो मान लो ई बिंदु है इसके जीरो और माइनस बीस फिर मान लीजिए आपका एफ बिंदु है एक माइनस नौ फिर मान लीजिए आपका जी बिंदु है इसके दो माइनस आठ और भी आपके जी या जैसे आपके बिंदु मानते जाएंगे आप क्या डालिए चाहे निर्देशांक में अब आपको मैंने जो बताई थी निर्देशांक के अनुसार कि इनको आपको ये बिंदु देखना है किस चतुर्थांश में कौन है तो देखिए माइनस चार सोलह है तो तुरंत पहचानना होगा ये किस चतुर्थांश में है तो एक माइनस क्या दूसरा बड़ा माइनस प्लस कौन में होता है आपको मालूम होना चाहिए एक्स का मान है भोज है जो कोटि वाई के मान तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो एक्स चलना कितना माइनस चार। अब एक बात आ गई आपको जो ग्राफ होता है उसमें हम पैमाना मान लेते हैं ग्राफ पेपर पर पैमाना मान मान सकते हैं आप छोटे के लिए चाहे छोटे एक खाना बराबर एक भी मान सकते हो एक इकाई या दो दो छोटे खाने बराबर एक इकाई या जैसे बिंदु हो जाए या पांच छोटे खाना बराबर एक इकाई कुछ भी कर सकते हैं आपके पैमाना आपको ये मान करके हम इन बिंदुओं को जैसे हमने मान लीजिए एक एक बराबर एक ही माना है तो छोटा हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर हम इस प्रकार से मानने ऐसी होती है आपके खा लीजिए इस प्रकार से जी ऐसी होते हैं जी बड़े बड़े जैसी और जी इस प्रकार से ऐसे खाने होते हैं तो इनको जो आपके जो छोटे छोटे खाना है चाहे
दो बराबर एक मान लें या चार बराबर एक मान लें या पांच बराबर, जो आपकी सुविधा के अनुसार है अपना पैमाना मान करके आप ग्राफ खींच सकते हैं। अब हमने मान लीजिए मान लिया कि पैमाना एक छोटा खाना बराबर एक इकाई मान लिया हमने। अब देखना है आपको पहले थे मान चार छोला है तो कौन दूसरी में है, अभी तो माइनस चार यानी एक्स पे चलना है माइनस चार, तो इस प्रकार की जो मान यहां था एक दो तीन चार, ये चाहिए एक्स पे माइनस चार और वाई पे कितने हैं सोलह, तो वाई पे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह जी। अब ध्यान देना ये बिंदु का है, इसको वाई के सोलह एक्स के वन जाए, तो इसी के सीध में जी आया बिंदु, इसी के सीध में जो सोलह होगा और जो चार होगा यहाँ हम चिन्ह बना देंगे निर्देशांक लिख देंगे माइनस चार और सोलह, ये आपका मान लो ए बिंदु। इस प्रकार कर लिया हमने ऐसे वाले माने तीन सात है तो एक्स पे तीन वाई पे सात, तो एक दो तीन तीन है वाई पे सात, तो एक दो तीन चार पांच छह सात जे बिंदु, तो इसी के सीध में जे है इसके निर्देशांक हो गया आपके माइनस तीन और सात, ये मान लो बी बिंदु। इस प्रकार से आपके ऐसी ऐसी मान भी जाएंगे आपके और है माइनस दो जीरो एक्स पे माइनस दो और वाई पे जीरो, एक्स पे कितना है एक दो जे है और वाई पे जीरो, वाई पे बिल्कुल चलना नहीं तो ये बिंदु आपका यह हो गया, यह बिंदु हो गया माइनस दो और जीरो जो है जो बिंदु आपका मान लीजिए डी बिंदु हो गया सी ए बी जे आपका सी बिंदु था जे आपका सी बिंदु हो गया। माइनस एक माइनस पांच तो पहचानिए किसमें होगा तृतीय में होगा, माइनस माइनस की तृतीय में माइनस एक मान यानी एक्स एक्स पर माइनस एक, तो जे है एक्स एक्स पर माइनस एक और वाई पे कितने पांच एक दो तीन चार पांच, इसके सीधे में जाएगा ये आपका यह माइनस एक माइनस पांच जो बिंदु होगा आपका डी, फिर जीरो माइनस बीस, अब जीरो माइनस बीस, अब देखिए जीरो माइनस बीस है वाई का मान है माइनस बीस वाई का मान, तो देखिए आपके इसमें होगा वाई का मान आया इसमें होगा ये माइनस, यानी एक्स पर नहीं चलना है बिल्कुल और वाई पर चलना है माइनस बीस, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस जी है जी आपके जे जीरो और माइनस बीस हो बिंदु आपका जो मान लो जीरो। अब एक और माइनस नौ, एक और माइनस नौ जे इसी में होगा प्लस का माइनस का, तो एक्स पे चल रहा है कितना एक जो है एक्स जो होगा मान लो एक और वाई पे चल रहा है माइनस नौ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ जी हाँ, तो जी बिंदु हो गया आपका जो हो गया आपका एक और माइनस नौ, जी पे वाला दो माइनस आठ तो दो माइनस आठ एक्स पे दो माइनस आठ इसी में होगा तो एक्स पे दो एक ये दो और आठ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ जी हाँ इसकी सी में जी हाँ मान लो दो और माइनस आठ जो बिंदु मान लो जी आपका इस प्रकार की बिंदु और भी आते आएंगे। अब इन बिंदुओं को आपके पास बिंदु और निकालेंगे आप यहाँ आएगा, कोई बिंदु निकालेंगे यहाँ आएगा, इन बिंदुओं को मिलाएं आप क्रम से इन बिंदुओं को मिलाएं आपकी ये बिंदु क्या बिंदु अब अंदाज इसे लगाए हैं यहां कोशिश भर होंगे आपके
के साथ साथ बंदूक काटेंगे जिम रहेंगे। तो आपके इस प्रकार से ये ऐसी आकृति आ जाती है पैराबोला की तरह। तो इस प्रकार से आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ऐसे हम जो है ये आलेख खींचते हैं।